इसमें हम एन स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एन स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो प्रिंसिपल मैक्सिमा बनते हैं उनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। यहाँ ये भी शो करेंगे कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा हैं उनके बीच में n माइनस वन सेकेंडरी मिनिमा और n माइनस टू सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए n स्लिट्स हैं, तो यहाँ पर हम n स्लिट्स बनाते हैं। ये स्लिट हैं s1, s2, s3, और चूंकि ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो यहाँ एक लेंस होगा और लेंस के बाद यहाँ पर ये फोकस हो रही होगी। तो जब ठीक सामने इसके बीचों बीच ये एस एन कह सकता हूँ, तो इसके ठीक सामने यहाँ पर एक पॉइंट होगा जैसे प्रिंसिपल मैक्सिमा कहेंगे। एक दूसरा, अगर हम कहें कि यहाँ से थीटा एंगल पर, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ थीटा एंगल पर एक रे लूँ, यहाँ से सीधे से एंगल लूँ थीटा एंगल पर लूँ, तो यहाँ से एक थीटा एंगल पर एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, तो उसे मैंने कह दिया पी डैश। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये प्लेन है, ये मैंने वेव बना दी है जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ से अगर मैं दो स्लिट के बीच का पाथ डिफरेंस कहूँ तो इसे कह सकता हूँ एस वन एम वन, दूसरे और तीसरे के बीच में कह सकता हूँ तो ये हो जाएगा कितना एस टू एम टू। इस तरीके से यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा ये हो जाएगा एस एन माइनस वन एम एन माइनस वन। ठीक है, ये सारे के सारे जो रेज हैं ये यहाँ पी डैश पर यहाँ फोकस हो जाएंगे। पॉइंट पी डैश पर इंटेंसिटी, अगर मैं कहूँ पॉइंट पी डैश पर अगर मैं इंटेंसिटी कंसिडर करता हूँ तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। नंबर वन, डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट। नंबर टू, इंटरफेरेंस ड्यू टू ऑल स्लिट्स। अब मान लीजिए कि स्लिट विड्थ ए है और जो स्लिट के बीच में ब्लैक स्पेस या उसे ओपेक स्पेस कह सकता हूं वो बी है। अगर दो स्लिट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो उसे कहते हैं स्लिट के बीच की दूरी हुई ए प्लस बी, यहां उसका नाम दूसरा देते हैं, उसे कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। तो अगर हम पहला वाला केस कंसिडर करें कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट, अब हर एक स्लिट की चौड़ाई ए है तो इंडिविजुअल स्लिट की हर एक की वजह से इंटेंसिटी बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं जो इंटेंसिटी है वो आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई थ्री या इक्वल टू आई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आई जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट हो गई है, इसे मैं आई कह सकता हूँ या कह सकता हूँ ए विल बी इक्वल टू ए जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा। यहाँ अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा है पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा। अब दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है ए प्लस बी, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट कितना है ए प्लस बी। तो अगर हम कहें दो स्लिट के बीच में इंटरफ्रेंस होगा तो जो सारी स्लिट्स हैं उनके बीच में जो इंटरफ्रेंस होगा उसकी वजह से टर्म कैलकुलेट करते हैं। दो स्लिट्स के बीच में पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस
बिटवीन टू स्लिट्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 M1, ये सारे जो पाथ होंगे डिफरेंस होंगे S2 M2, ये सब बराबर होंगे, S2 M2 इसके बराबर होगा, S3 M3, और लास्ट वाला जो होगा ये हो जाएगा एस एन माइनस वन एम एन माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब फेस डिफरेंस हो जाएगा के लिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू पाई बाय लैम्डा से, तो ये हो जाएगा टू पाई बाय लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, और इसे हम मान लेते हैं ये कितना है टू बीटा। इसका मतलब जो एन स्लिट्स हैं उन सभी की वजह से ए एम्पलीट्यूड होगा, उन सभी के डिफ्रैक्शन की वजह से जो यहाँ दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ दिया हुआ है ए इक्वल टू ए जीरो साइन एल्फा अपॉन एल्फा, और जो सक्सेसिव वेव्स होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि पहली और दूसरी में फेज डिफरेंस होगा डेल्टा, दूसरी तीसरी में जब फेज डिफरेंस होगा डेल्टा और पहली से कहूँ तो टू डेल्टा डिफरेंस आ जाएगा, तीसरी चौथी में डिफरेंस होगा फिर वो डेल्टा और पहली से नापूंगा तो थ्री डेल्टा, इसका मतलब सक्सेसिव जो वेव्स होंगी उनमें फेज डिफरेंस डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा फोर डेल्टा इस तरीके से माना जा सकता है, जहाँ डेल्टा जो फेज डिफरेंस है वो लिखा हुआ है टू पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, जिसे हम टू बीटा भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब एम्पलीट्यूड का सम निकालना है विद फेस, फेस को साथ लेने के बाद। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा पहली वेव की वजह से, इसे मैं कह सकता हूँ ए की पावर आई ओमेगा टी प्लस, इसमें जीरो करा है मान लीजिए जीरो फेस मान लें इसका हम, दूसरी जो वेव है उसका फेस कितना मान लें, जो उसमें उसे ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा लैगिंग बिहाइंड कह सकते हैं, तो ये हो गया ए की पावर आई ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस ए की पावर आई ओमेगा टी माइनस टू डेल्टा। ठीक है, और यहाँ तक हो जाएंगे ये टर्म आ जाएंगे ए की पावर आई ओमेगा टी, कितना जब पहली और एन वाली में एन माइनस वन आ जाएगा माइनस एन माइनस वन डेल्टा। देखिए ए की पावर आई ओमेगा टी तो ये बाहर निकाला जा सकता है, तो हो गया वन प्लस ई की पावर माइनस आई डेल्टा प्लस ई की पावर माइनस आई डेल्टा का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस आई डेल्टा का क्यूब, या कह सकता हूँ प्लस ई रेस पावर माइनस आई डेल्टा रेस पावर। अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर जीरो है, सेकंड टर्म की पावर इतनी है, तो हमारे पास जो टोटल टर्म है कितने है एन है, तो यहाँ पावर हो जाएगी एन माइनस वन। ये एक एन टर्म की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसका सम अगर लेंगे ई की पावर आई ओमेगा टी वन माइनस ई की पावर माइनस आई डेल्टा रेस पावर एन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस आई डेल्टा। यहाँ देखिए ई की पावर नीचे से माइनस आई डेल्टा का आधा और ऊपर वाले जो पावर है उसका भी आधा बाहर हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए ई की पावर आई ओमेगा टी ई की पावर माइनस आई डेल्टा एन बाई टू, और नीचे लेंगे ई की पावर माइनस आई डेल्टा बाई टू, तो यहाँ लिखेंगे कितना आ जाएगा e की पावर i डेल्टा n बाई टू माइनस e की पावर माइनस i डेल्टा n बाई टू अपॉन
ई की पावर आई डेल्टा बाई टू माइनस ई की पावर माइनस आई डेल्टा बाई टू। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हो जाएगी ए, ये जो ई की पावर आई डेल्टा एन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस आई डेल्टा एन बाई टू, ये एक्चुअली कितना है। अगर मैं इसको भी टू आई से डिवाइड कर दूं और यहाँ भी टू आई से डिवाइड कर दूं तो चूंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला ये हो जाता है साइन एन डेल्टा बाई टू, तो ये हो जाएगा ए ई की पावर आई ओमेगा टी ई की पावर, यहाँ देखिए ये है माइनस, ये कितना हुआ आई डेल्टा बाई टू, तो ये कितना हुआ माइनस एन माइनस वन आई डेल्टा बाई टू, और ये आगे जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा साइन एन डेल्टा बाई टू अपॉन साइन डेल्टा बाई टू। इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करने पे हो जाएगा ए साइन एन डेल्टा बाई टू, ये हो जाएगा एन डेल्टा बाई टू अपॉन साइन डेल्टा बाई टू ई रेस पावर आई ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन डेल्टा बाई टू। इस एक्सप्रेशन में ये पार्ट एम्पलीट्यूड है और ये पार्ट फेस है। तो अगर मैं कहूँ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए साइन एन डेल्टा बाई टू अपॉन साइन डेल्टा बाई टू। अब डेल्टा बाई टू एक्चुअली बीटा है और ए की वैल्यू पहले से दी हुई है, तो एम्पलीट्यूड हो जाता है ए जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। और इंटेंसिटी अगर मैं कहूँ तो इंटेंसिटी हो जाएगी आई विल बी इक्वल टू आई जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का स्क्वायर। अब ये इंटेंसिटी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, ये डिफ्रैक्शन की वजह से है और ये इंटरफ्रेंस की वजह से है। तो पहला केस लेते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। तब जब बीटा इक्वल टू एन पाई होगा, तो जब बीटा इक्वल टू एन पाई होगा तो साइन बीटा जीरो होगा, साइन एन बीटा भी जीरो होगा, इसका मतलब साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा ये हो जाएगा जीरो बाई जीरो फोर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ ऐसे नहीं निकलेगी, इसके लिए क्या करना होगा लिमिट लेनी होगी। तो लिमिट बीटा टेंस टू एन पाई क्या निकालेंगे साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, तो जीरो बाई जीरो है पहले हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो लिमिट बीटा टेंस टू एन पाई इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बीटा के रेस्पेक्ट में, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, तो इसे बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन एन बीटा यहाँ लिखते हैं साइन बीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट बीटा टेंस टू एन पाई एन कॉस एन बीटा, और यहाँ हो गया कॉस बीटा। तो यहाँ कितना हो गया, ये हुआ ऊपर n नीचे 1, तो इसकी वैल्यू जाती है n। तो देखिए इसका मतलब इस केस में या इस कंडीशन पर I विल बी इक्वल टू n स्क्वायर I जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। तो ये बाद वाला जो टर्म है इतना हिस्सा ये इंडिविजुअल स्लिट से डिफ्रैक्शन का एम्पलीट्यूड है, n टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स एट द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, तो जितनी उसमें स्लिट होंगी उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी इंटेंसिटी हो जाएगी। इसका मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी
बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसमें 1000 लाइन है तो 1000 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 6, तो ये मोस्ट इंटेंस हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये कहाँ कंडीशन निकलेगी, जब बीटा इक्वल टू एन पाई है। तो बीटा इक्वल टू एन पाई का मतलब क्या है, ये है पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन पाई। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये कंडीशन है जहाँ पर प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की एक कंडीशन होगी ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब दूसरा देखते हैं, मिनिमा कहाँ पर होंगे, तो उसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, मिनिमा मतलब जीरो कहां पर होगा, तो जीरो के लिए न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। इसका मतलब साइन एन बीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर साइन बीटा भी जीरो होगा तो पहली वाली कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब कह सकता हूं साइन बीटा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, या कह सकता हूं साइन एन बीटा इक्वल टू जीरो के लिए कंडीशन देखेंगे इन सारी कंडीशन को छोड़कर, एन पाई को छोड़कर। तो इसका मतलब साइन एन बीटा इक्वल टू जीरो हो, साइन बीटा जीरो ना हो। साइन एन बीटा जो जीरो होगा वो कब होगा, जब एन बीटा इक्वल टू कितना, एन पाई। एन पाई का मतलब जीरो, पाई टू पाई एन माइनस वन पाई एन पाई एन प्लस वन पाई, इस तरीके से। तो यहाँ साइन बीटा जीरो ना हो, तो साइन बीटा जीरो होगा यहाँ पर। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हम हटा देंगे, तो इसमें से ये वाली कंडीशन हटानी है और ये कंडीशन निकालनी है। इसका मतलब हुआ कि जो साइन बीटा है वो जीरो इन पे होगा, तो इन्हें हटा देंगे। तो यहाँ एन बीटा इक्वल टू जो अलाउड वैल्यू बची कितनी है, पाई टू पाई एन माइनस वन पाई एन प्लस वन पाई, इस तरीके से आगे होगा। या कह सकता हूँ बीटा कितना हो जाएगा, पाई अपॉन एन टू पाई अपॉन एन एन माइनस वन अपॉन एन पाई एन प्लस वन अपॉन एन पाई, तो इस तरीके से आगे होंगे। यहाँ जो कंडीशन हमने यहाँ से निकाली है, यहाँ पर ये मैक्सिमा की थी और यहाँ पर जो कंडीशन थी ये कितनी थी, ये मैक्सिमा की कंडीशन थी कितनी, बीटा इक्वल टू जीरो। और ये मैक्सिमा की कंडीशन थी कितनी, ये बीटा इक्वल टू कितना, पाई। तो ये दो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है और उन दो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन के बीच में ये एन माइनस वन सेकेंडरी मिनिमा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटेंसिटी है वो यहां पर मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है और बीच में कितना कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एन माइनस वन ऐसे पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन सभी पॉइंट पर जीरो नहीं है। इसका मतलब फिर से कह सकते हैं हम कि इंटेंसिटी इन मिनिमा के बीच में चूंकि जीरो नहीं है, इसका मतलब बढ़ी होगी या मैक्सिमा होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो बीच में पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इन के बीच में क्या होंगे, मैक्सिमा होंगे, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ पहुँच गई है, प्रिंसिपल मैक्सिमा पर पहुँच गई है। तो इंटेंसिटी काफ़ी कम होने की वजह से वहाँ पर मैक्सिमा तो होगा, बट वो कैसा होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। हम कह सकते हैं दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में एन माइनस वन सेकेंडरी मिनिमा होंगे और एन माइनस टू सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। कह सकते हैं एन माइनस टू सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। थैंक यू।